बुलेटिन में हम खबरें देखेंगे एक्सप्रेस अंदाज में, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। और आज हम से इस वक्त की बड़ी खबर, जो अवैध रेत खनन पर ग्रामीण हुए लामबंद, नदी तट पर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण, रेत खनन बंद करने जा रहे नारेबाजी, ग्रामीणों ने चैन माउंटेन मशीन पर कब्जा किया है। पिंगेश्वर के ग्राम पथर्री का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं राजीव से। और एक बार फिर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध रेत खनन पर ग्रामीण लामबंद हुए, नदी तट पर पहुंचे हैं सैकड़ों ग्रामीण, रेत खनन बंद करने नारेबाजी की जा रही है, ग्रामीणों ने चैन माउंटेन मशीन पर कब्जा किया है, और पिंगेश्वर के ग्राम पथर्री का ये पूरा मामला है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और एक बार फिर बता दें रांची से बड़ी खबर, जहां अवैध रेत खनन का ये पूरा मामला है, जिस पर ग्रामीण अब लामबंद हुए हैं और नदी तट पर पहुंचे हैं सैकड़ों ग्रामीण, रेत खनन बंद करने के लिए नारेबाजी की जा रही है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर बता दें, रेत खनन बंद करने के लिए नारेबाजी की जा रही है, ग्रामीणों ने चैन माउंटेन मशीन पर कब्जा किया है, फिंगेश्वर के ग्राम पथर्री का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की राजीव से आपको दिखा रहे हैं। बता दें अवैध रेत खनन का ये पूरा मामला है, जिस पर आखिरकार ग्रामीण जो है वो लामबंद हो गए हैं। और बता दें आपको कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नदी तट पर पहुंचे हुए हैं, रेत खनन बंद करने के लिए नारेबाजी की जा रही है, ग्रामीणों ने चैन माउंटेन मशीन पर कब्जा भी किया है। और आपको बता दें कि फिंगेश्वर के ग्राम पथर्री का ये पूरा मामला है। तो आपको बता दें, पिछले कई समय से ग्रामीण जो है इस पर विचार कर रहे थे, और आखिरकार उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया है। ग्रामीण अब लामबंद हो गए, नदी तट पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं, जहां पर रेत खनन को बंद करने के लिए लगातार नारेबाजी ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं राजिम से। और बता दें कि ग्रामीणों ने चैन माउंटेन मशीन पर भी कब्जा किया है, पिंगेश्वर के ग्राम पथरी का पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए हैं, और नदी तट पर जहां पर ग्रामीणों ने चैन माउंटेन मशीन पर भी कब्जा किया है। तो राजिम से इस वक्त की बड़ी खबर, फिलहाल कुछ तस्वीरें हैं जो सामने आ चुकी है। आप देख सकते हैं ग्रामीण जो है वो अवैध रेत खनन को लेकर अब लामबंद हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जो है वो पहुंचे हुए नदी के तट पर और नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ अभी अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, बता दूं, गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पथर्री में अवैध रेत खनन को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा फूटा पड़ा और नदी में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि स्वीकृत स्थान को छोड़कर रेत माफिया पथर्री में अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं, जिसका ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। और जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, आगे अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।